नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सिंगापुर में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि क्या रियल में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिलता है सिंगापुर में। डिटेल से जानिएगा इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड, अच्छी खासी तनख्वाह अगर आप लेना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ताकि आपको नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। और भाई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लें। तो ये साथियों ऑफर लेटर है ए पार्क व्यू। जी हाँ, होटल है ये, आपको नाम दिख रहा होगा आपने, ए पार्क व्यू। जी हाँ, इसमें डिटेल कंपनी की दी गई है होटल का, यहाँ पे नाम बंदे का, पासपोर्ट नंबर देख सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है इसमें। जी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में सैलरी की बात करें तो साथियों इसमें लगभग आपको $2500, जी हाँ, सिंगापुर डॉलर इसमें तनख्वाह मिल जाएगी। बंदे को ये ऑफर लेटर दिया गया था, ऐसा ऑफर लेटर आपको भी मिल सकता है, और बंदे से मेडिकल भी बंदे का हो गया। ₹5500 बंदे से मेडिकल के ले लिए गए। अब यहाँ पे देखने की सोचने की बात यह है कि रियल में सिंगापुर में आपको जॉब मिल सकता है सिंगापुर में। अब यहाँ पे सोचने की बात है, क्या सिंगापुर में इंडियन पासपोर्ट होल्डर को सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिल सकता है, यस या नो में अगर इसकी बात करें। तो ये बंदे ने मुझे डिटेल डाली थी कंपनी के बारे में कि सर ये कंपनी का है डिटेल, इसमें बहुत सारी डिटेल थी, हालांकि मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ, आपको दिख नहीं होगा, क्योंकि किसी का अभी नाम लेंगे तो ज्यादा ऐड होगा अगले का, तो लोग पहुंच ही जाते हैं, चाहे वो फर्जी हो, लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये आपको दिख रहा होगा साथियों, आपको यकीन मानिएगा कि बंदे से मेरी बातचीत हुई, बाद में इसकी बात का जब सर्च करने पे पता लगा तो डिटेल निकल के ये आई कि सिंगापुर में इंडियन बंदा है, कोई भी हो, एशियन कंट्री का कोई भी बंदा हो, उसको इंडियन पासपोर्ट होल्डर को सिंगापुर में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब नहीं मिल सकता। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि कोई एजेंट आपको बोलता है कि सिक्योरिटी गार्ड का जॉब में हम सिंगापुर में भेज रहे हैं, और कई एक दो फिर मैंने सर्च किया तो कई वीडियोज मेरे सामने निकल के आए, ऐसे पासपोर्ट लेके खड़े हैं, अगला एजेंट पीछे खड़ा है, वो उनका इंटरव्यू ले रहा है, आप कौन से जॉब में जा रहे हैं, जी हम सिक्योरिटी गार्ड के जॉब में इतनी पगार में जा रहे हैं, जबकि ये फेक है, हमें नहीं पता। वो वीडियो तक आगे जा रहे हैं, पहुंचे नहीं है, सिर्फ जाने के लिए बोला जा रहा है। अब बोलने को तो भाई कोई का भी बोल दो, पासपोर्ट पकड़ के मिस ऑफिस से कनाडा के लिए अप्लाई किया, मैं कनाडा जा रहा हूं, तो क्या रियल में वो चला जाएगा? वीडियो बनने के बाद चला जाता है क्या? ये भी एक सोचने की बात है। तो जितने भी वीडियोज आप ऑफिसों के देखते हैं, एजेंटों के देखते हैं, कि वो वीडियोज के द्वारा प्रचार करते रहते हैं, ये देखो जी हमने यहाँ का इनका काम करवा रहे हैं, ये यहाँ जा रहे हैं, क्या वो पहुंच गए? वीडियो तो बना लिया आपने, एक मिनट का, दो मिनट का डाल दिया फेसबुक पे, उनको देख के आपके पास सैकड़ों लोग भी पहुंच गए। सच्चाई ये जानना जरूरी है कि क्या जिनका वीडियो बना वो यहीं बैठे हैं या वहां पहुंच गए उसी जॉब में? इंपॉर्टेंट बात ये है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप जो वीडियो देख के जाते हैं तो बोलिए कि बात करवा दीजिए। अगर ये लड़के वहां पहुंचे हैं तो आवाज मिसमैच नहीं होती है, वो वीडियो में आवाज आ रही है, आप उनसे बात करोगे तो पता लग जाएगा हाँ यही बंदा है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं क्या रियल में ऐसा होता है। बिल्कुल नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको दिखा के लोगों को फंसाया जाता है, उनको बेचा जाता है, लेकिन रियल टीम में धरातल पे कुछ नहीं होता है। मैंने खुद देखे हैं सिक्योरिटी गार्ड के जॉब सिंगापुर के नाम से, जबकि वो फेक है। इंडियन पासपोर्ट वालों को सिंगापुर में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब नहीं मिलता। अब लोग बोलने को कुछ भी बोल दें, उनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो सावधानी बरतिएगा, सतर्क रहिएगा, मैनपावर ऑफिस से अप्लाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।